मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आईपीएल सट्टे के बढ़ते अवैध कारोबार को लेकर आज हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय छतरपुर पहुंचकर निष्पक्ष जांच एवं कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हम आपको बता दें कि विगत कई दिनों से मीडिया की खबरों में सटोरिया सलमान के लिए काम करने वाले प्रदीप द्विवेदी से कर्ज वसूलने के लिए उसके घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी का मामला सहित शाहरुख खान के आत्महत्या केस की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने के लिए सर्व हिंदू समाज के विभिन्न कार्यकर्ता पूरे जिले भर से एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय छतरपुर पहुंचे। ज्ञापन के अनुसार सट्टा माफिया सलमान खान पिता जहूर खान के द्वारा लगातार प्रदीप द्विवेदी परेशान करते हुए झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। सलमान का भाई शाहरुख जो नशेड़ी था, उसने नशे में अपने शोरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, परंतु षड्यंत्र पूर्वक एक चिट्ठी में प्रदीप का नाम लिखकर रख दिया, जबकि शाहरुख सातवीं कक्षा में फेल था, से पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानता है। हिंदूवादी संगठनों ने सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग भी उठाई है। साथ ही सट्टे का कारोबार में लिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले में एसपी अगम जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छतरपुर में किसी भी कीमत पर सटोरियों को बख्शा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि कुछ दिनों से पेपरों में भी चल रहा है, कुछ सट्टेबाजों द्वारा एक परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रदीप द्विवेदी नाम को व्यक्ति बताया जा रहा है और उसको उसके परिवार में घर में घुस के उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की गई, जिसकी शिकायत हमारे पास आई थी। उसका संज्ञान सर्व हिंदू समाज ने लिया और उसके संदर्भ में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है कि किस तरीके से सट्टेबाज लोगों के परिवार बर्बाद कर रहे हैं। और यह भी अपील करी है हमने एसपी साहब से कि इसकी ठीक से जाँच की जाए, ताकि पता चल सके इन सट्टेबाजों के तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। हमें ये भी आशंका है इन सट्टेबाजों की तार दुबई तक है। तो एसपी साहब को हमने कहा है कि जिस तरीके से ये मर्डर मिस्ट्री बना के केस को गुमराह किया जा रहा है और समाज में जो इसके दुष्परिणाम जा रहे हैं, उस पर जांच की जाए। आपने महादेव ऐप से भी इसका कनेक्शन, बिल्कुल बहुत बड़ा मामला है, इसमें क्या कनेक्शन लग रहा है आपको? देखिए, ठीक तरीके से जाँच होगी तो इसके तार बारीगढ़ से लेके आपके भोपाल तक और मुंबई से होके हुए दुबई तक जाएंगे। मोबाइल जब्त होंगे तो सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से वो बोले हम सही कार्रवाई करेंगे, निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन एसपी कार्यालय में आकर के उन्होंने दिया है, उसमें सट्टा जो चलता है और ऑनलाइन रूप से जो सट्टा चल रहा है, उन लोगों पर कार्रवाई की बात की है। तो उसकी जाँच हमने सीएसपी छतरपुर को दी है और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसकी निष्पक्ष जाँच हो सके और जो भी उसमें व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, जो भी सट्टा खिलाते हैं या फिर जो भी ऐप मोबाइल की तरह से खिलाते हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके। ये इसकी वैधानिक स्थिति क्या है वो एक बार हम चेक कर लेंगे कि उसकी लीगैलिटी क्या है और उसके बाद में उस पर कार्रवाई। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।